पहले मैं आपको एक कविता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज़ादी है ना, वो आज़ादी का सपना देखने वाले कहते हैं हमें चाहिए आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, पूंजीवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी के जो नारे लगते हैं इस देश के अंदर यूथ लगा रहा है, तो उस पर मैं एक कविता के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आज़ादी है, अभी तक हमें आज़ादी का मकसद समझ में यूथ को आना चाहिए। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर आज़ादी का मकसद समझ में अगर आज युवाओं को आ जाए, तो मैं समझूँगा आपके चैनल पर जो इंटरव्यू हुआ है वो सक्सेस होगा मेरा। तो इसमें मैं आपके बीच में एक कविता रखना चाहता हूँ आपके चैनल के से कि 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है, जातिवाद के कारण अब भी दलितों की बर्बादी है, जातिवाद के कारण अब भी मानव की बर्बादी है। पहली आज़ादी पाई जब गोरों से आज़ाद हुए, पहली आज़ादी पाई जब गोरों से आज़ाद हुए, दूसरी आज़ादी पाई संविधान से हम आबाद हुए, दूसरी आज़ादी पाई संविधान से हम आबाद हुए, पहली आज़ादी पाई जब गोरों से। आप मेरी आज़ादी का मकसद समझना, मैं ये कहना चाहता हूँ ये तीसरी आज़ादी की लड़ाई है। पहली आज़ादी पाई जब गोरों से आज़ाद हुए, दूसरी आज़ादी पाई संविधान से हम आबाद हुए, तीसरी आज़ादी भारत का मूल निवासी शासक हो, लाल किले से भाषण माया बहना का ऐतिहासिक हो, बहुजनों अब कर लो कब्जा जो दिल्ली की गादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है। तो मेरे यूथ जो बहुजन समाज का यूथ सुन रहा है, हम जैसे कलाकारों को जो कलम के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गीत कविता के माध्यम से आप तक जो अंबेडकर बात पनपाने की कोशिश की जा रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सपना साकार करने के लिए आज पूरे देश में कांशीराम जी के त्याग को समझते हुए जो द ग्रेट लीडर फिल्म बन रही है, मेरे जैसे लोग जो जीवन अर्पण करके हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके पीछे रहस्य है। रहस्य यह है कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, आपके अधिकार खतरे में है, जिन अधिकारों के लिए हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों ने पूरा जीवन लगा दिया है। तो ऐ मेरे नौजवान भाइयों, इस कविता का ये महत्व है कि ये तीसरी आज़ादी की जो लड़ाई है इसमें आप पीछे मत रहना, नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी का कहीं चौराहे पर सम्मान होने वाला नहीं है। हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने संघर्ष किया, उसकी बदौलत है कि आज हम लोग इतना मान सम्मान से जी रहे हैं, और आज हम संघर्ष करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को मान सम्मान मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने मुझे समय निकाल के सुना है, और SM न्यूज़ का मैं बहुत आभार करता हूं उनकी पूरी टीम का कि मुझे आपके बीच में रूबरू होने का मौका दिया, गुप्तगु हुई आपसे, आपका खूब खूब आभार, मंगल कामनाओं सहित धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।